टाटा आईपीएल का अगला मुकाबला जो यह होने वाला है दिल्ली वर्सेस गुजरात के बीच में, और कहां होगा? अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। एक चीज याद रखना कि यहां पर यह मैच दूसरा होने वाला है, यानी इस स्टेडियम में इस सीजन का ही दूसरा मैच होगा। इससे पहले एक मैच हुआ था जो दिल्ली का हैदराबाद के सामने था, और वो मैच यहां पर हम सभी ने देखा था कि भाई हैदराबाद क्या ही रन बना रही, बहुत ज्यादा रन बना रही है। अब वो सीनियरों देख के यहां पर आपको ये नहीं सोचना है क्योंकि वो 250 से ज्यादा रन यहां पर बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर देख रखा होगा आपने वो काफी बार ये सीनियरों कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कोई तुक्का लग रहा है, फिर एक बार प्लेयर चल गया, वो प्लेयर अच्छे खासे फॉर्म के अंदर है। तो यहां वो सेम सीनियरों लेके मत चलना कि उतने ही रन यहां बनेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अपन यहां पर 150 से 200 के बीच का टारगेट लेके चलेंगे, और राउंड फिगर है कि 180 के आसपास यहां रन बन सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक मेरा आप सभी से सवाल होगा वीडियो के शुरू में, मैं चलो आज आपसे सवाल पूछता हूं, क्या लगता है जैसे हैदराबाद इतने ज्यादा रन बना रही है तो आपको क्या लगता है कि जैसे राजस्थान भी बहुत अच्छा खेल रही है, ठीक है, गुजरात भी कोई कम नहीं, दिल्ली भी कोई कम नहीं है, ठीक है, और केकेआर का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, तो मुझे ये बताओ क्या लगता है इस बार सीएसके जीतेगी, आरसीबी जीतेगी, या मुंबई जीतेगी, या हैदराबाद इतना जोरदार खेल रही है, हैदराबाद जीतेगी, राजस्थान जीतेगी, कौन सी टीम आपके हिसाब से इस सीजन का जो टाटा आईपीएल का जो सीजन है ये कौन सी टीम है जो जीतेगी, पर कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको बता ही दूंगा कि आपको कौन कौन से प्लेयर लेने हैं, कौन से कैप्टन यहाँ पर आप लोगे, साथ में आप किसको यहाँ पर ड्रॉप करोगे, क्योंकि बड़े प्लेयर अगर अपनी टीम में आप शामिल कर रहे हो तो सभी प्लेयर अगर लेने से आपको लगता है कि आप जीत जाओगे तो ऐसी गलती मत करना, एवरेज टीम बन जाएगी। एक्चुअल में आपको यहाँ पर बेस्ट प्लेयर लेने पड़ेंगे जो अच्छे खासे फॉर्म में हो, जिनको लेने से हमें अच्छी खासी अर्निंग हो सके, तो ग्रांड लीग के हिसाब से भी अपने को टीम बनानी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आज जो सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो यहां पर मैं आपको देने वाला हूं, वो प्लेयर अगर आप शामिल करते हो अपनी टीम में तो डेफिनेटली उसका आपको एडवांटेज मिलने वाला है। तो वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले प्लेयर के बारे में बात करेंगे, इसके बाद वेन्यू को समझेंगे, पिच बिहेवियर को समझेंगे। जैसे अब पिच पे एक चीज वो देखनी पड़ेगी, जैसे हैदराबाद ने तो बहुत ज्यादा रन बना दिए, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी टीमें भी यहाँ पर बना पाए, ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर सीनरी देख के चलोगे तो यहाँ पर सेंस बनेगा। हेड टू हेड क्या चलता है दोनों टीमों का, विनिंग टीम पे डिस्कस करेंगे, ग्रांड लीग की टीम्स कैसे बनेगी, प्लेयर का डिस्कस करेंगे, इसके बाद बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन देने वाला हूँ मैं, जो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन दूंगा वो सबसे बेहतरीन होते हैं। साथ में बात करेंगे बेस्ट फाइनल टीम की, यहाँ पर जो फाइनल टीम है अपनी वो अपनी क्या बनने वाली है, ठीक है। और हाँ, एक चीज भूलना मत, 1 से 2 लाख का टोटल मेरा गिवे का बजट है, हर रोज कोई ना कोई यहाँ पर विनर बन रहा है और हर रोज यहाँ पर सभी को पैसे मिलते जा रहे हैं। आप अभी तक विनर नहीं बने हो तो कैसे बनोगे ये वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, और एक स्पेशल ऑफर भी आप सभी के लिए, उस ऑफर में आप एक नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, पूरी यहां पर आप 20 टीमें लगाओगे और आपको कोई लॉस नहीं होगा, यानी कि आप सभी के लिए एक नो लॉस ऑफर है। कहां खेलोगे, कैसे खेलोगे, ये सभी अपन आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो टीम को देख लेते हैं कि दोनों ही टीमें जो आमने सामने करेगी, दिल्ली वर्सेस गुजरात करेगी, मतलब हाँ ठीक है, मतलब आमने सामने खेलेगी, ठीक है। तो दिल्ली वर्सेस अपने गुजरात के यहाँ पर सीनियर देखे तो किन किन प्लेयर पर वेटेज देना और किन किन प्लेयर को ड्रॉप करना है, तो सबसे पहले तो अपन दिल्ली पर चलते हैं कि दिल्ली का क्या सीनियर है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें डेविड वॉर्नर और जैक, अब देखो यार डेविड वॉर्नर और जैक की बात करें तो यार जैक का थोड़ा सा सीनरी समझना कि जैक जो है बहुत एग्रेसिव खेल रहा है। अब यार ये एग्रेसिव खेल रहा है तो कम बॉलों में वो ज्यादा रन ये बना सकता है, अगर ये कम बॉलों में ज्यादा रन बना सकता है तो यार ये चीज फिर अच्छी नहीं है। मतलब क्यों अच्छी नहीं, क्योंकि फिर यार डंडे जल्दी उड़ जाते हैं, यानी कि विकेट जल्दी गिर जाता है। भाई आप एग्रेसिव बॉल में खेलोगे, सेफ साइड सोच के नहीं खेलोगे, ज्यादा रन बनाने का ट्राई करोगे तो बहुत ज्यादा आप रिस्की हो जाओगे ना, तो ऐसे प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर हमें लॉस है। देखो दो तरीके से लॉस होता है, पहला लॉस तो ये कि भाई हमने सोचा भाई एग्रेसिव मोड में खेलेगा, कम बॉलों में ज्यादा रन बना के चला गया तो भाई अपने ये डेंजरस हो गया, फिर अगर आप लोगे नहीं और रन बना दिए भाई साहब ने तो आपकी टीम लॉस कर देगी, और आपने ले लिया ठीक है, लेने के बाद फिर भाई साहब ने रन नहीं बनाया, जल्दी आउट हो गए तो फिर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो आपको थोड़ा क्या सीनियर सोच के चलना है कि अगर यहाँ पर अब जैसे अपन क्या करते हैं ओपनर से ओपनर का यहाँ पर वेटेज देके चलते हैं कि किस तरीके से अपन ओपनर को यहाँ पर वेटेज दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर जैक हो गया, इसी के साथ में अपना डेविड वॉर्नर है, डेविड वॉर्नर अपने को पता है कि अभी कुछ टाइम से फॉर्म में नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ एक अच्छा प्लेयर है, स्टेबल प्लेयर है, जम गया तो अच्छा चल सकता है, ठीक है, अच्छे खासे रन बना सकता है। पर डेविड वॉर्नर पे अपन ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं जैक से कि भाई जैक जल्दी आउट हो जाएगा, डेविड वॉर्नर इतना जल्दी आउट नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें रिद्धिमान साहब भी इतना कुछ खास फॉर्म में नहीं है, मतलब भले फॉर्म में हो नहीं हो वो एक अलग टॉपिक हो गया, पर हाँ सीनियर ये देखना है कि इस मैच के लिए तो भाई इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा, ठीक है। इस मैच के लिए मैं चाहूंगा कि ओपनर मतलब इतना ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, इसकी जगह पर सुमन गिल जो है जो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, सुमन गिल को यहाँ पर अपन वेटेज दे सकते हैं, ठीक है। तो इस मैच के अंदर तो मैं रिद्धिमान साहब पर रिस्क लेना चाहूंगा, ये प्लेयर मैं अपनी टीम के अंदर
अंदर शामिल नहीं करूंगा विकेट कीपर से, क्योंकि मैं यहाँ पर ऋषभ पंत को वेटेज दे रहा हूँ। ऋषभ पंत यहाँ पर मैं अपनी टीम के अंदर शामिल कर लूंगा तो फिर मेरे को इसको वेटेज देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर वापस अपन दिल्ली की तरफ आते हैं। अब जैसे मैं डेविड वॉर्नर को भी लेना चाहूंगा और कई मैं चाहता हूँ कि ग्रांडली के सबसे जैक भी इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट है। अब भले ही एग्रेसिव पे खेले लेकिन मेरे को लग रहा है कि भाई ये थोड़ा बहुत रन वगैरह बना देगा, टीम में ये आ सकता है, तो इसको ड्रॉप करने का रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस प्लेयर को अपनी टीम के अंदर अपने को शामिल करना है। अगर फिर आप जैक को ले रहे हो तो फिर आप इसको अभिषेक को यहाँ पर पोरल को यहाँ पर वेटेज नहीं दोगे। ठीक है, तो फिर ये अपना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, फिर इसको आप ड्रॉप करोगे। अगर आप जैक को नहीं ले रहे हो उस केस के अंदर आप इसको लोगे, बाकी यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक है, विकेट कीपर से ऋषभ पंत तो ऑप्शन है ही है, इसको तो अपनी टीम के अंदर अपने को शामिल करना ही है। इसके बाद यहाँ पर बात करें स्टब्स की, तो यार ये इग्नोर मत करना भाई, ये प्लेयर बहुत अच्छा चलता है, इस प्लेयर को ड्रॉप करने का रिस्क अपन नहीं ले सकते हैं। तो ये प्लेयर भी अपनी टीम के अंदर अपने को शामिल करना ही है। स्टब भी काफ़ी अच्छा है और मैं कहीं ना कहीं इसके ऊपर ग्रांड लीग के अंदर वाइस कैप्टन का रिस्क भी लेने वाला हूँ। ठीक है, बाकी मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन आगे अच्छे से बता दूंगा, अभी के तौर पे मैं आपको जो सिनेरियो बता रहा हूं आप वैसे ही समझ के चलो। इसके बाद बात करें यहां पर अक्षर पटेल की। अब देखो यार, अक्षर पटेल आप सभी को पता है कि अब बैटिंग में बहुत नीचे आता करने खेलने के लिए, तो उसका सेंस नहीं है। बाकी यार एज ए स्पिनर अपन जितने भी प्लेयर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्लेयर के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊँ तो फिर अक्षर पटेल ज़्यादा अच्छा है। अब अक्षर पटेल के साथ में अगर मुझे किसी बॉलर पे वेटेज देना हो तो यहाँ पर मैं दूंगा वो कुलदीप यादव पे। हाँ बराबर, कुलदीप यादव पे मैं वेटेज देना चाहूँगा। तो ये दोनों मुझे लग रहा है इन दोनों को काफ़ी अच्छे यहाँ विकेट्स मिल सकते हैं। बैटिंग से अक्षर पटेल ना कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूट करे नहीं करे, बट बॉलिंग से ये दोनों काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूट इस मैच के अंदर करने वाले, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों को यहाँ पर लो। ठीक है, फिर ललित यादव की बात करें तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा इस मैच के लिए, अपन इग्नोर कर सकते हैं। एंड्रिस नोर्जे की यहाँ पर बात करूँ तो यार 50-50 रेशियो कुछ टीम में रखो, कुछ मत रखो। खली अहमद को आप ग्रांड लीग के लिए ट्राई कर सकते हो, मुकेश कुमार को सीधा यहाँ पर इग्नोर करो। प्रीतिश शो को ग्रांड लीग की कुछ टीमों में वेटेज देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर इधर साई सुदर्शन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर आप इसको यहाँ पर वेटेज दोगे तो वो सिनेरियो ज़्यादा सही रहेगा। तो इंपैक्ट प्लेयर से अगर लेना हो तो यहाँ पर आप साई सुदर्शन ले सकते हो गुजरात से। ठीक है, बाकी गुजरात टीम का ऑल ओवर बात करूँ कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है तो ध्यान से समझो। रिद्धिमान सागर मैं बता चुका हूँ मैं इस मैच के अंदर ड्रॉप करने वाला हूँ। सुमन गिल का अगर मैं बताऊँ तो ये प्लेयर मेरी टीम के अंदर शामिल होगा। डेविड वॉर्नर को कुछ टीम में यहाँ पर वेटेज दे सकते हो, कुछ टीमों में यहाँ पर इग्नोर करोगे। शाहरुख खान ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सीधा यहाँ पर इग्नोर कर लो। राहुल की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं, इग्नोर कर सकते हो। इसके अलावा उमर जाई की बात करें तो अगर डेविड वॉर्नर को जिसमें स्किप कर रहे हो उस टीम के अंदर आप उमर जाई को वेटेज दे देना। ठीक है, थोड़ा सा सिंदूर यहाँ पर चलना पड़ेगा क्योंकि देखो अपने पास सारे जो प्लेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर 11, ठीक है, प्लस एक इंपैक्ट प्लेयर, इधर 11 प्लस एक इंपैक्ट प्लेयर, अभी सब मिला के जो प्लेयर होते 12, यानी कि टोटल 24 प्लेयर हो रहे, लेकिन हमें हमारी टीम जो बनानी है वो सिर्फ 11 प्लेयर की ही बनानी है। तो सीधी सी बात है, फिर इतने वेटेज दे ही नहीं सकते प्लेयर पे, तो अपने को क्या सिंदूर लेके चलना है कि जो अपने को सबसे बेहतरीन ऑप्शन लग रहे हैं, क्योंकि सभी को अगर वेटेज दे देंगे तो टीम ही नहीं बनेगी। तो अपने को सबसे बेस्ट देने जो अपने को ग्रांड लीग लेने हैं, जो अपने को ग्रांड लीग जिता सके, अपने को वही प्लेयर अपने टीम के अंदर शामिल करना है, इसके अलावा किसी को नहीं करना है। ठीक है, तो जो आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं आप उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही चलोगे। इसके बाद यहां पर बात करें राशिद खान की, तो देखो यार राशिद खान के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं, राशिद खान अच्छा प्लेयर है, आपको पता ही है इसको आराम से विकेट वगैरह 1-2 आराम से मिल जाते हैं, तो ये फिर लेना ही है। ठीक है, साई किशोर की बात करें तो फिर इसको आप इग्नोर कर दो, इसको मत लो। नूर अहमद को भी मत लो, इतना कुछ खास नहीं है। मोहित शर्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर मेरे को बॉलर्स के साथ में जाना हो, जैसे ऑलराउंडर भी एक तरीके से बॉलर बॉलिंग करेगा तो वो मिक्सअप करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखो कौन है, एक तो मोहित शर्मा होगा, एक अक्षर पटेल होगा बॉलिंग के हिसाब से, और एक यहां पर होगा कुलदीप यादव। ये तीन बॉलर मैं यहां पर वेटेज दूंगा। मेरे को पता है भाई यहाँ पर ऑलराउंडर है, पर एक तरीके से समझो बॉलिंग जो जो करेंगे उसके हिसाब से किसको ज्यादा वेटेज देना सही है। ठीक है, तो मोहित शर्मा है, ठीक है, इसके अलावा अपना कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, और इधर से राशिद खान है। ठीक है, तो ये चार सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारे प्लेयर को एज ए रोटेट करना है। ठीक है, संदीप की यहाँ पर बात करें तो इसको भी यहाँ पर आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, मैंने लगभग आपको सारे प्लेयर के बारे में आइडिया दे दिया कि मैं किसको ले रहा हूँ और किसको यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ। अब यहाँ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि उनको देखे बिना अपन टीम यहाँ नहीं बना सकते। जैसे कि वेन्यू का अगर देखें एवरेज स्कोर कितना, 165 के आसपास का मैंने बताया, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ 185 के आसपास, प्लस माइनस मान के चलो 185 के आसपास यहाँ रन बन सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग कितने रन यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इस पिच के ऊपर, यानी इस वेन्यू के ऊपर 86 पेज की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट इनिंग के अंदर जो टीम बैटिंग करती है वो 43% मैच विन कर रही है, और फर्स्ट इनिंग के अंदर जो टीम बॉलिंग कर रही है वो यहाँ पर 57% मैच विन कर रही है। यानी टॉस का इतना कुछ खास रोल नहीं है, कौन सी टीम कितनी अच्छी और कितना एग्रेसिव में खेलती है सारा सिनेरियो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और पिच भी देख ले तो 185 का एवरेज स्कोर है,
मेरे अकॉर्डिंग 185 का एवरेज स्कोर है, पर यहाँ जो बनता है वो 165 का आसपास का एवरेज स्कोर यहाँ पर बनता है। ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली कितना है 50%, बॉलिंग फ्रेंडली कितना है 50%, और बॉलिंग में भी देखोगे तो 60% स्पिनर को एडवांटेज है, पेशर को यहाँ पर 40% का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्पिनर को लेना, अपनी स्पिन को लेना वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर विकेट देखोगे लास्ट के 10 मैच के अंदर, तो फास्ट बॉलर ने 59 विकेट ले रखा है, स्पिनर ने यहाँ पर 73 विकेट ले रखे हैं। ठीक है, ऑल ओवर सीनरी यहाँ पर आप समझ चुके हो। और यहाँ पर अगर दोनों टीमों के आमने सामने की बात करें हेड टू हेड की, तो यहाँ पर देखो 4 मैच दोनों टीमों ने खेल रखे हैं, जिसमें से 2 यहाँ पर गुजरात ने जीते हैं और 2 यहाँ पर दिल्ली ने जीते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आगे पीछे मिसप्रिंट हो गया है, चलो कोई बात नहीं, इधर जीटी हो गया उधर डीसी हो गया, पर मैं बताऊँ आपको लोगों पे फोकस करना है। तो ये आप इधर मान लो, ये इसको यहाँ पर अपन कर देते हैं डीसी और इसको अपन यहाँ पर कर देते हैं जीटी। ठीक है, बराबर, और लगभग 50-50 है। लास्ट के 4 मैच की अगर बात करें तो 2 यहाँ पर गुजरात ने जीते हैं और 2 यहाँ पर दिल्ली ने जीते हैं। ठीक है, एकदम बराबर सीनियर समझ चुके हो ना। अब यहाँ पर आगे चलते हैं और बात करते हैं दोनों टीमों में से कि टीम के जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेटेज दे रहा हूँ दिल्ली को। ठीक है, यानी कि दिल्ली को यहाँ पर मैं वेटेज देने वाला हूँ, ध्यान से समझना। 45% में यहाँ पर वेटेज दूंगा किसको, गुजरात को, और यहाँ पर मैं दिल्ली को वेटेज दूंगा 55%। अगर दिल्ली टॉस विन कर लेती है, टॉस का इतना कुछ खास रोल प्ले नहीं होगा, अपन प्लेयर पे वेटेज ज़्यादा देंगे इस वेन्यू के अंदर, तो यहाँ पर मैं इसको 60% वेटेज दे दूंगा अगर दिल्ली यहाँ पर विन कर लेती है टॉस, और फिर ये 40% मान के चलना। बाकी दोनों ही टीमों ने अपने लास्ट मैच जो है वो खेले वो यहाँ पर विन करके आमने सामने आ रही है, यानी कि दोनों ही टीमों के प्लेयर कहीं ना कहीं फॉर्म के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 की, यानी कि कौन कौन से वो प्लेयर है जो इस मैच को यहाँ पर खेलने वाले हैं। तो देखो, दिल्ली से यहाँ पर बात करूँ तो डेविड वॉर्नर, इसके बाद जैक है, इसके बाद अपने पास अभिषेक है, इसके अलावा बात करूँ ऋषभ पंत है, स्टब्स है, अक्षर पटेल है, ललित यादव है, कुलदीप यादव है, और यहाँ पर देखो एंड्रिज नोर्जे है, खलील अहमद है, मुकेश कुमार है और पृथ्वी शो है। ठीक है, ये सारे हो गए पॉसिबल प्लेइंग 11। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, टीम के अंदर किसको शामिल करना है और किसको यहाँ पर ड्रॉप करना है, जो यहाँ पर आपको ग्रैंड लीग हरा सकते हैं। ठीक है, वो प्लेयर भी अपने को समझने पड़ेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा माय 11 सर्कल के बारे में, जो यहाँ पर आपको आज एक बेहतरीन ऑफर दे रहा है। सबसे पहले ऑफर को समझ लेते हैं कि आपको ऑफर क्या है आज का, नो लॉस ऑन मेगा कॉन्टेस्ट, यानी कि आप 20 टीम में लगाओ आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा, यानी कि आपका लॉस होगा ही नहीं। तो सोचो कि आप 20 टीमें लगा सकते हो, कितना बढ़िया चीज़ है ये। और सबसे मेन चीज़ है कि ऑफर कैसे अप्लाई होगा, ये देखो, ये ऑफर जो है ये नए यूजर्स के लिए है, यानी कि ये स्पेशल आप सभी के लिए ये ऑफर है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस ऐप को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाके डाउनलोड कर देना। डाउनलोड करने के बाद आराम से 20 टीमें बनाओ और यहाँ पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर दो, क्योंकि लॉस ही नहीं है ना, 100% का यहाँ पर कैशबैक मिलने वाला आपको। तो टीमें लगा के अपना लक एक बार ट्राई करना तो बनता है। साथ में आप जो मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर चीज़ क्या है, उस मेगा कॉन्टेस्ट का जो मिनिमम प्राइस होगा वो कितना होगा, 1 करोड़ रुपये का मिनिमम आपको प्राइस मिलेगा। और हाँ, जब अपना पहला डिपॉजिट करोगे और win20 कूपन कोड हमारा यूज़ करते हो, तो आपको मिलने वाला है 20% रियल एक्स्ट्रा कैश। कैसे मिलेगा, 200 पे 240, 500 पे 600 और 1000 पे 1200। एग्जाम्पल है, आप कितना भी डिपॉजिट करो उसके हिसाब से 20% आपको मिल जाने वाला है, और साथ में आपको मिलेगा 1500 रुपये का कैश बोनस। ठीक है, तो बढ़िया चीज़ है, टीम विम लगा देना और डाउनलोड करके, जिससे मैं अभी टीम दिखाऊंगा, उस टीम के अंदर आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज करके ज़्यादा टीमें लगा के इस ऑफर का फायदा मैक्सिमम ले सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप दिल्ली की टीम पे वापस आते हैं, क्योंकि अभी प्लेयर तो अपने को सोचने पड़ेंगे ना, बिना अभी जैसे ऑफर से कुछ नहीं होगा, आपको टीम भी समझनी पड़ेगी। तो अगर आप टीम अच्छे से समझोगे तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाओगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले बात करें पृथ्वी शो की, मैं बता चुका हूँ कि इस प्लेयर को मैं इस मैच के लिए यहाँ पर ड्रॉप करने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं इस प्लेयर को ड्रॉप करने वाला हूँ तो कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या बनने वाले हैं आप वो भी देख लेना। तो अगर आप देखोगे सिलेक्शन रेशियो 24% का, रिसेंट परफॉर्मेंस देखो 16, 32, 66, 10, तो कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग के अंदर किसी एक टीम के अंदर वेटेज देना चाहिए नहीं। मेरे को लगता ही नहीं है कि आप सब 5 से ज़्यादा टीमें बनाते होंगे। ठीक है, मेरे को लग रहा है लगभग यहाँ पर, एक तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप कितनी टीमें बनाते हो, 5, 10, 20, 15, 1, 2, ताकि मैं उसके हिसाब से आप सभी को यहाँ पर टीम प्रोवाइड करूँ। ठीक है, बाकी मेरे को लग रहा है आप सब यहाँ पर 1 से 2 टीमें बनाते होंगे और उसके हिसाब से खेलते होंगे, और कोई यहाँ पर 5 से 10 टीमें बनाता है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन बता देता हूँ कि आप किसी 1 से 2 टीमों में भले ट्राई कर सकते हो, पर मेरे को लगता नहीं कि इतना कुछ खास होगा। सेकेंड इनिंग के अंदर फिर भी यहाँ पर आप वेटेज दे सकते हो, फर्स्ट इनिंग के हिसाब से तो कुछ खास वाला रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो आप ड्रॉप कर सकते हो, बाकी इनिंग का इतना कुछ यहाँ पर रोल प्ले नहीं होगा। देन यहाँ पर अगर देखें डेविड वॉर्नर, देखो मैंने
पहले पृथ्वी शो को समझा दिया, लास्ट की जगह मैंने इसको सबसे पहले ही बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप डेविड वॉर्नर देख लो, यहाँ से थोड़ा सा टीम यहाँ पर 11 प्लेयर डिस्कस करेंगे बैक टू बैक, ठीक है। तो सबसे पहले डेविड वॉर्नर रिसेंट मैच देखो 1, 8, 10, 18, इससे पहले देखो 52, 49, 29, ठीक है। यानी कि अभी रिसेंट मोमेंट्स इतनी अच्छी नहीं चल रही, यानी कि प्लेयर अभी फॉर्म में नहीं है। 60% सिलेक्शन रेशियो हो चुका है, अगर ये प्लेयर फॉर्म में होता तो 85-90 के आसपास का सिलेक्शन रेशियो आराम से होता, तो इस प्लेयर पर अपन रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। जो ASL खेल रहे हैं वो अपनी टीम में तो शामिल करोगे, और जो यहाँ पर GL खेल रहे हैं, GL के यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है। GL के कॉम्बिनेशन के अंदर आपको प्लेयर पर वेटेज देना है, प्लेयर अच्छा खासा फॉर्म में नहीं है लेकिन इस मैच के अंदर काफी अच्छे रन ये बना सकता है, तो यहाँ पर अपने को टीम में वेटेज देना है, ठीक है। देन यहाँ पर जैक की बात करें 65, 55, 41, यानी कि प्लेयर बहुत अच्छा फॉर्म में है, कम बॉलों में बहुत ज़्यादा रन बना रहा है, तो ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करने का तो भाई कोई सेंस बनता ही नहीं है, तो ऐसा प्लेयर तो अपनी टीम के अंदर शामिल होना चाहिए। एवरेज भी देखोगे तो वो बहुत अच्छा मेंटेन है इसका, और अपनी टीम के अंदर रखना है। तो जैक का पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि अपन जैसे पृथ्वी शो पर उसको ड्रॉप करने का अपन रिस्क ले रहे हैं तो फिर जैक को तो शामिल करना ही पड़ेगा ना। फिर यहाँ पर अभिषेक की बात करूँ तो यार ये प्लेयर इतना कुछ खास नहीं है, 42, यहाँ पर देखो इससे पहले मौका ही नहीं, इससे पहले देखो 41, 0, मतलब अगर आप जैसे मैं बताऊँ डेविड वॉर्नर पे अगर रिस्क ले रहे हैं तो फिर इस प्लेयर को शामिल करने का सेंस नहीं है। लेकिन आप डेविड वॉर्नर को ड्रॉप कर रहे हो तो फिर आप इस प्लेयर पे वेटेज दो, तब जाके कहीं इसको खेलने का मौका मिलेगा, और मेरे अकॉर्डिंग तो इस मैच के अंदर डेविड वॉर्नर ज़्यादा अच्छा करेगा, तो फिर इस प्लेयर को यहाँ पर सेलेक्ट करने का कोई सेंस ही नहीं है, इसको यहाँ पर अपन सीधा ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करें अगले प्लेयर की जो कि है ऋषभ पंत, अब मैं उधर ऋतुवंश को ड्रॉप कर रहा हूँ तो फिर यहाँ मुझे ऋषभ पंत तो लेना ही पड़ेगा, और मेरे अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा अच्छा भी है। लास्ट के दो मैच के अंदर देखो 44 रन, 41 रन, यानी कि प्लेयर अच्छा खासा फॉर्म के अंदर है, सिलेक्शन रेशियो देख सकते हो 95% का, हर कोई यहाँ पर वेटेज दे रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई ड्रीम टीम के अंदर आराम से आ जाएगा। अगर प्लेयर ड्रीम टीम के अंदर आता है तो फिर इसको तो लेना ही अपनी टीम के अंदर, और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि शामिल कर ही लो, ठीक है। स्टब्स की बात करें तो स्टब्स जो है ये ग्रैंड लीग की सबसे अच्छा ही प्लेयर है, स्मॉल लीग की सबसे अच्छा नहीं, जो भी स्मॉल लीग खेलता है वो यहाँ पर इसको प्लेयर को मत लेना, लेकिन जो ग्रैंड लीग की टीमें बना रहा है अगर आप 4 से 5 टीमें भी बनाते हो तो अपनी प्लेयर्स को क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, यानी कुछ टीमों में रखो कुछ टीमों में मत रखो, ठीक है। 5 टीमें बना रहे हो तो किसी 2 टीम में सिर्फ रखना, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद यहाँ पर अगले प्लेयर पर चलते हैं जो कि अक्षर पटेल, अक्षर पटेल मैं बता रहा हूँ बॉलिंग से काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, लास्ट मैच में देखो 6 रन के साथ में 1 विकेट, यहाँ पर भी देखोगे 2 विकेट 1 विकेट, यानी कि इसको पर मौका आया तो अच्छा खासा विकेट ये लेता है, और इस मैच के अंदर इसको अच्छा खासा मौका मिलेगा भी सही, तो इसको तो अपन आपको शामिल करना है, इस पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, मतलब इस प्लेयर के साथ ज़्यादा उंगले मत करना, शामिल कर देना अपनी टीम के अंदर, 1 से 2 विकेट को आराम से मिल जाएंगे। तो इस प्लेयर इस मैच की मतलब बैटिंग के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन यहां पर बात करते हैं ललित यादव, अब ये जो प्लेयर है इसको यहां पर अपन सीधा ड्रॉप करने वाले हैं, ना तो स्मॉल लीग में लेना है ना ही ग्रैंड लीग के अंदर लेना है, ठीक है। ज्यादा बात करने का भी कोई सेंस नहीं, प्लेयर का मौका भी आता तो इतना कुछ अच्छा चलता नहीं, 10 में से 1-2 बार चल जाए तो भले ही, लेकिन वो टीम पूरी कोलैप्स होगी तब चलेगा, बाकी नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बात करें तो है यहां पर कुलदीप यादव का मैं बता चुका हूं, इस मैच के अंदर भी इसके पास काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप टीम के अंदर वेटेज दे सकते हो, तो इस मैनों को ज़्यादा यहाँ पर वेटेज मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग तो फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, लास्ट 4 मैच से मिनिमम 1 विकेट आराम से ले रहा हूँ, मैक्सिमम 4 विकेट भी इसने ले रखे हैं, देखो 1 विकेट ले रखा, 2 भी ले रखा, 3 भी ले रखा, 4 भी ले रखा, यानी कि 1-2 विकेट के आसपास इसको आराम से मिल जाएंगे, तो ये प्लेयर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। एंड्रिट नोर्जे की बात करें तो इसको यहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हो, इस मैच के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अच्छा खासे विकेट ना भी मिले, 1 विकेट भी मुश्किल है मिलना, तो इसलिए मैं इसको सीधा यहाँ पर ड्रॉप ही करूँगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इसको शामिल करो। और खलील अहमद की बात करें तो जो भी स्मॉल लीग खेल रहे हो तो भले आपको वेटेज देना हो तो दे सकते हो, स्मॉल लीग के हिसाब से वेटेज दे देना, थोड़ा सा रिस्क लेना बनता ही है। और ग्रैंड लीग के अंदर बॉलर्स को रोटेट करना, यानी कि 3 से ज़्यादा बॉलर मत शामिल करना अपनी टीम के अंदर, 3 बॉलर इनफ होंगे, ठीक है। 3 से पहले 4 बॉलर हो जाए, लेकिन सभी बॉलर को आपको रोटेट ही करना पड़ेगा, टीम के अंदर ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। मुकेश कुमार की बात करें तो यार ये प्लेयर आप अगर लेना हो तो जैसा भी उस प्लेयर को लिया तो फिर इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दो, इसको ले लो तो उसको यहाँ पर ले लो, मतलब इससे पहले जो मैंने बताया वो, ठीक है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा प्लेयर को, यहाँ पर बस वही है कि बॉलर्स को रोटेट करो जितना हो सके, बाकी स्मॉल लीग में तो रखना भी मत, ठीक है। स्मॉल लीग के लिए रिकमेंडेशन मेरा नहीं रहेगा। बाकी बेंच की ऑलराउंड बेंच प्लेयर की बात करें, कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर जो अगर खेलने के लिए आ जाते हैं तो लेना है, नहीं लेना है तो वो एक ही वो है यहाँ पर मार्च, ठीक है। अगर ये खेलने के लिए आता है तो इसको भी वेटेज दोगे, बाकी किसी प्लेयर पर आपको वेटेज देने की कोई जरूरत नहीं है। और इनके बाकी के खेलने के चांस भी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत रेयर कंडीशन है कि वो खेलने के लिए भी आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पॉसिबल प्लेइंग बात करते हैं गुजरात टीम की, कि गुजरात टीम से पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो रिद्धिमान शाह, सुमन गिल, डेविड मिलर, इसके अलावा ओमर जाई, शाहरुख खान, राहुल तवेटिया, इसके अलावा देखो कि राशिद खान, शाही किशोर, नूर अहमद,
इसके बाद देखोगे तो संदीप मोहित शर्मा और देन यहाँ पर देखें तो साई सुदर्शन, ठीक है। ये सभी के सभी पोजिशन प्लेयर 11 हो गए, साथ में इंपैक्ट प्लेयर भी मैंने ऐड कर दिया है ताकि आपको अच्छे से सारी टीम एक जगह पर ही दिख जाए, ठीक है। अब किस किस को लेना है, किस किस को ड्रॉप करना है वो समझ लो। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा साई सुदर्शन की। मैं सबसे पहले इंपैक्ट प्लेयर डाल दिए ताकि चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा लास्ट में बताता हूँ, इस बार पहले बता रहा हूँ। साई सुदर्शन पॉइंट्स देखो 31, 35, 31, 33, 45, 37, 45, यानी कि प्लेयर की पॉइंट्स 30 से ऊपर की है, यानी 30 के ऊपर ये रन आराम से बना रहा है। अगर 30 से ऊपर ये रन बना रहा है तो फिर ये जो प्लेयर हो जाता है एक ड्रीम टीम का प्लेयर हो जाता है। हर मैच के अंदर इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी वेल मेंटेन है। इस मैच के अंदर भी आप देखो एवरेज तो इसका बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो इस मैच के अकॉर्डिंग तो ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर आप ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना। और अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने नोटिस करा है 30 से ऊपर इसके हर बार रन है, यानी कि ड्रीम टीम के अंदर ही आ रहा है, तो ये प्लेयर तो आपकी टीम के अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस प्लेयर को सीधा आप शामिल करोगे। देन अब बात करें रिद्धिमान शाह की, तो मैंने बता दिया था कि मैं ऋषभ पंत के साथ में जाना चाहूंगा, फिर मैं इस प्लेयर को यहां पर टीम में शामिल नहीं करूंगा। ये प्लेयर मेरे अकॉर्डिंग इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। 13, 11, 25, 21, 19, ठीक है, ऑल ओवर देखोगे तो ज्यादा कुछ खास इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर चल नहीं रही है, वेल मेंटेन भी नहीं है, तो इस प्लेयर को सीधा ड्रॉप कर लो, ठीक है। प्लेयर अभी खास फॉर्म में भी नहीं है और एज ए विकेट कीपर मैं आपको कहूंगा कि नहीं यार ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, जल्दी विकेट इसका गिर जाएगा, ठीक है। सुमन गिल की अगर मैं बात करूँ तो ये प्लेयर फिर इंपॉर्टेंट है, इस पर आप रिस्क नहीं ले सकते, इसको ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना। रिसेंट मोमेंट्स भी देखोगे तो 35, 72, 19, 89, 36, 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 19 है, बाकी के अलावा देखा जाए तो पॉइंट्स काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो स्मॉल लीग के अंदर, बाकी ग्रैंड लीग के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सुमन गिल को भी अपन ड्रॉप नहीं करेंगे, ये प्लेयर अपनी टीम के अंदर होगा। डेविड मिलर को मैं इस मैच के लिए ड्रॉप करने वाला हूँ, मतलब इस मैच के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं डेविड मिलर पर ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहूँगा। डेविड मिलर की अगर ड्रॉप कर रहे तो फिर इसकी जगह पर अपन जिसको वेटेज देंगे मैं उस पर बात करता हूँ, जो कि यहाँ पर रहेगा ओमर जाए, ठीक है। इन दोनों में से आप ग्रैंड लीग के अंदर किसी एक पे वेटेज दो, या तो डेविड मिलर पे दो या फिर आप ओमर जाए पे दो। स्मॉल लीग के अंदर तो ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मॉल लीग में हमारे पास और भी अच्छे ऑप्शन है अपन जिनको अपनी टीम के अंदर वेटेज देंगे, बाकी सभी पे नहीं देंगे। बाकी अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो ओमर जाए या फिर डेविड, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक पे थोड़ा सा वेटेज दोगे, पर दोनों को साथ में मत देना। देन अगर अगले प्लेयर की बात करें तो शाहरुख खान, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। पॉइंट्स भी देखो 8, 14, 23, 3, 17, 15, ऑल ऑफ पॉइंट्स इतने कुछ खास भी नहीं है, तो इस प्लेयर को यहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से सीधा ना रहेगा ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए। देन अगर राहुल की बात करें तो यार ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ टीमों के अंदर, यानी कि अगर आप 5 टीम बना रहे हो तो किसी एक टीम के अंदर इसको मौका दे सकते हो, बाकी यहाँ पर कोई सेंस नहीं। स्मॉल लीग के अंदर सीधा ड्रॉप कर दो, ग्रैंड लीग के अंदर जो रोटेट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपनी टीम के अंदर इसको शामिल करना है, ठीक है। बाकी रन देखो 31, 22, 23, 23, मतलब ठीक ठाक ही है पॉइंट्स, पर ग्रैंड लीग के अंदर किसी टीम के अंदर भले ही यहाँ पर वेटेज दे दो। राशिद खान की यहाँ पर मैं बात करूँ जो एक विकेट, लास्ट के 4 में से एक विकेट आराम से ले रहा है, और इस मैच के अंदर हो सकता है एक विकेट इसको ज़्यादा में मिल जाए, ठीक है, तो 2 विकेट भी मिल सकते हैं। अब कहीं ना कहीं सिलेक्शन रेशियो भी इसका 87% का है, तो इस प्लेयर को ड्रॉप करने का रिस्क आप कैसे ले सकते हो। ये प्लेयर तो आपकी टीम के अंदर होना ही चाहिए, तो इस प्लेयर को भी अपन रिस्क में नहीं डालेंगे, इसको टीम में शामिल करेंगे, ठीक है। साई किशोर की मैं बात करें तो ये प्लेयर अब मैं आपको ड्रॉप करने का कहने वाला हूं, ये प्लेयर स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रैंड लीग के अंदर वही बात है कि बॉलर्स को जितना हो सके उतना रोटेट करो, वो यहां पर एक ओनली अच्छा ऑप्शन है, बाकी अगर इसमें देखोगे तो काफी तगड़ी है इसकी भी। नूर अहमद की मैं बात करूं तो फिर इसको मैं लेने वाला हूं अपनी टीम के अंदर, स्मॉल लीग के अंदर भी लूंगा और ग्रैंड लीग के लिए भी, ये प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 से 2 विकेट मुझे लग रहा है कि हाँ भाई काफ़ी अच्छे ले सकता है, ठीक है, और सिलेक्शन रेशियो भी 22% के आसपास का है। संदीप की बात करूं तो सीधा मेरी तरफ से ना है। पॉइंट्स भी देखो लास्ट के 4 मैच के अंदर सिर्फ 1 मैच के अंदर यहाँ पर 2 विकेट ले रखे हैं, बाकी यहाँ पर सिर्फ 0 विकेट है, तो फिर ये प्लेयर भी इतना ट्रस्टेड नहीं है, इसको आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्लेयर की, तो यहाँ पर है मोहित शर्मा। अब मोहित शर्मा इंपॉर्टेंट है, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, यानी देखो जाए तो 1 विकेट इसको आराम से एवरेज मिल जाता है, जिसकी वजह से इसको अपने को शामिल करने ही अपनी टीम के अंदर इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, और 58% सिलेक्शन रेशियो कम भी नहीं होता है, ठीक है, तो अपनी टीम के अंदर आप वेटेज दे सकते हो, स्मॉल लीग में तो देना ही है। अब गुजरात से अब बात करते हैं कुछ बेंच प्लेयर की, एक्स्ट्रा प्लेयर जो खेलने के लिए आते हैं उनको आपको अपनी टीम के अंदर वेटेज देना है। तो एक तो है यहाँ पर विलियमसन और साथ में यहाँ पर है जोशुआ और यहाँ पर है स्पेंसर, ठीक है, तो बॉलर्स में से 2 हो गए और बैट्समैन में से 1 हो गया। अगर ये दिनों में से कोई भी प्लेयर को खेलने के लिए आता है, इन्हें मौका दिया जाता है, तो आपको अपनी यहाँ पर टीम के अंदर इसको शामिल करना है, ठीक है, क्योंकि ये सबके सभी प्लेयर जो ड्रीम टीम के प्लेयर बनते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपने यहाँ पर सबसे बेहतरीन कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए कौन कौन से प्लेयर यहाँ पर अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर होगा सेफ ऑप्शन, जो कि यहाँ पर आप स्मॉल लीग के अंदर ट्राई करोगे, और एक यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा
रिस्की के तौर पे। अब रिस्की के तौर पे ग्रैंड लीग के लिए अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले चलेंगे शेप ऑप्शन के तौर पे। तो कौन है यहाँ पर, देखो डेविड वार्नर, ठीक है, कैप्टनसी का कितना 7%, वाइस कैप्टनसी कितना 7%, ठीक है, ये कैप्टनसी और वाइस कैप्टन के लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इसी के साथ में सुमन गिल भी है, कैप्टनसी का 30, वाइस कैप्टनसी का 15%, यानी कि अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो तो सुमन गिल को आप एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन तो आपको बनना ही है। इसी के साथ में यहाँ पर जैक को भी थोड़ा सा वेटेज देने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस मैच के लिए इस पर थोड़ा सा ज्यादा बुलिश हूँ, मतलब मेरे को लग रहा है भाई अच्छा कर सकता है, पहले थोड़ा सा एग्रेसिव खेला पर इसको हम ड्रॉप नहीं करने वाले हैं, ये प्लेयर अपनी टीम के अंदर रहेगा। कैप्टनसी पे 22% है, वाइस कैप्टनसी पे 15%। अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो और थोड़ा सा यूनिक प्लेयर भी चाहिए तो आप जैक को वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, इसको जैसे कैप्टन बना दिया तो यानी कि आपके सारे कॉम्बिनेशन में बैठ जाएंगे। बाकी ग्रैंड लीग के अंदर इसके अलावा और कौन कौन से हैं जो बहुत रिस्की हो जिनके साथ में आप जा सकते हो, सबसे पहले तो स्टब्स, ज़्यादा कोई वेटेज देगा नहीं, कैप्टनशिप है 3, वाइस कैप्टनशिप है 5। स्टब के साथ में अपन ऋषभ पंत पर भी वेटेज दे सकते हैं, कैप्टनशिप 7 है, वाइस कैप्टनशिप 8% है, इन सबके सिलेक्शन रेशियो, ठीक है। मोहित शर्मा पर भी आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, कैप्टनशिप 1, वाइस कैप्टनशिप 1, और राशिद खान पर भी रिस्क ले सकते हो, कैप्टनशिप 4, वाइस कैप्टनशिप 8% का, ठीक है। ये थोड़े से रिस्की प्लेयर हो जाते हैं सारे के सारे, और अगर आप रिस्क लेना प्रीफर करते हो तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, तो ये सबसे बेहतरीन आपके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो यहाँ पर अब बात करते हैं मैंने जो टीम बनाई है उसकी, कि यहाँ पर मेरी टीम किस तरीके की है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक माइलेंस के लिए ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, कमेंट से पिन कर रखा है। आज यहाँ पर आपको पता है ना 20 टीम्स का यहाँ पर 9 लॉस ऑफर चल रहा है, यानी कि 20 टीमें लगा दो आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो अगर इतने बढ़िया ऑफर चल रहे हैं, जहाँ पर मेगा कॉन्टेस्ट के अंदर मिनिमम जो प्राइस होता है वो 1 करोड़ रुपये का होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो टीम है ये लगा लो, या फिर इस टीम के अंदर अपने हिसाब से चेंजेस करके 20 टीम बना लो, क्योंकि ऐसे ऑफर बार बार हर रोज नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर कोई नया ऑफर मिला है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, अभी का भी ऐप डाउनलोड कर दो, मतलब टीम देखने वाले ऐप को डाउनलोड करके टीम को लगा भी देना, ठीक है। साथ में यहाँ पर बात करेंगे गिव अवे विनर की, जो लास्ट वीडियो का गिव अवे विनर यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मेरे को इंस्टाग्राम में टैग पर मैसेज कर देना, आपका प्राइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आप भी इनकी तरह अगर विनर बनना चाहते हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। जो भी यहाँ पर विनर होगा उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर टीम को भी देख ही लेते हैं, इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो टीम तो यहाँ रह जाएगी, तो टीम पे समझो। विकेट कीपर से यहाँ पर किस को ले रहा हूँ मैं, ऋषभ पंत को ले रहा हूँ, रिद्धिमान साह का भी ऑप्शन है लेकिन मैं उसको ड्रॉप करने का रिस्क यहाँ पर लेने वाला हूँ। बैट्समैन से डेविड वार्नर है, जैक है, सुमन गिल है, साई सुदर्शन है। अब यहाँ पर मैंने ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बना रखा है, अगर आप चाहो तो जैक को भी एज अ वाइस कैप्टन के तौर पर ट्रेड अप कर सकते हो, ठीक है। ऑलराउंडर से बोले तो अक्षर पटेल और राशिद खान है, अक्षर पटेल बॉलिंग से काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इस मैच के अंदर और बैटिंग से इतना कुछ खास नहीं करेगा, वही रीज़न है कि बहुत नीचे आता खेलने के लिए, तो वहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो, वहाँ पे ड्रॉप मतलब बैटिंग की वजह से ड्रॉप करने का सोच सकते थे, पर उनको बताया कि बॉलिंग से अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर देगा तो फिर अपन ड्रॉप नहीं करेंगे। बॉलर्स की बात करें तो खली अहमद है, कुलदीप यादव है, मोहित शर्मा है और नूर अहमद है, ठीक है। तो ये चारों के चारों सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और इन चारों के साथ में आप जाना प्रीफर कर सकते हो, स्मॉल लीग की टीम हो भले ग्रैंड लीग की टीम हो। और बाकी थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो 1 से 2 बॉलर को आप रोटेट कर सकते हो किसी और बॉलर से, जैसा मैंने आपको जब टीम समझाई थी तब बताया था, ठीक है। बाकी यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेल रहे हैं।